नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेशनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जब हम सोने को जाते हैं, सोते समय बिस्तर पर लेटते ही जैसे ही शरीर थोड़ा सा कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, शरीर गर्म होता है तो शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। लोग खुजाते हैं, खुजाते खुजाते काफ़ी जगह नाखून की वजह से घाव बन जाते हैं और खुजली सही नहीं होती जी। दोस्तों, ऐसी खुजली की मुख्य वजह है स्कैबीज। स्कैबीज एक छोटा सा माइट होता है जो हमारे शरीर में, हमारी स्किन में छेद करके अंदर रहता है, स्किन के नीचे रहता है, और उसके जब वो हमारे स्किन में एक छेद कर लेता है, छेद करके अंदर रहता है, तो अपना मल वहीं त्यागता है और उसके मल से होने वाले एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये खुजली होती है जी। दोस्तों, तो माइट जो होता है बहुत छोटा सा एक परजीवी होता है जो शरीर में रहता है और हमारे शरीर का खून चूस कर वो पलता है और वो वही अंडे भी देता है, उसी में ही अपनी गंदगी छोड़ता है, तो इसकी वजह से ये खुजली हो जाती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों ये क्यों होता है। अक्सर जो लोग माइट से, इसके बीच माइट से संक्रमित होते हैं, उनके कपड़े पहनने से, उनके तौलिया इस्तेमाल करने से या फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी ये संक्रमण लग जाता है। ये एक एसटीडी की कैटेगरी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में ये माइट आता है। इसका दोस्तों ये नंग नागों से दिखाई नहीं देता, स्किन के अंदर रहता है छेद करके माइट इसके बीच का। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके मल मूत्र से जो एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से खुजली होती है। इस माइट को कैसे खत्म किया जाता है दोस्तों, बेंजाइल बेंजोएट लोशन जो मार्केट में बीबी लोशन या स्कैब ऑयल के नाम से, स्कैब लोशन के नाम से मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, उसको सोते समय, रात में सोते समय होंठ आँख से बचाते हुए गर्दन से नीचे के पूरे हिस्से में तेल की तरह उसकी मालिश की जाती है और फिर सुबह को नहा लिया जाता है, जिससे कि ये परजीवी, ये माइट खत्म हो जाता है, मर जाता है। और दोस्तों, इससे जो एलर्जी होती है उसकी वजह से दाने दाने हो जाते हैं, कभी कभी दाने इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें पस भी पड़ जाता है। तो ऐसे में आप हिपर सल्फ 30 पोटेंसी ले सकते हैं और सल्फर 30 पोटेंसी भी बहुत अच्छा इसमें काम करेगी। ये दवाएं लेने से खुजली खत्म हो जाती है और बीबी लोशन के इस्तेमाल से ये परजीवी भी मर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इन दवाओं के सेवन से आप अपनी खुजली को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जितने भी अंडरवियर हैं सभी को खौलते पानी में धुलकर धूप में डालना है, जिसके इसके छोटे छोटे अंडे या छोटे बच्चे होते हैं इसके माइट के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और कपड़े भी डिटॉल के पानी में धुलकर धूप में फैलाएं ताकि कपड़ों में भी इन्फेक्शन बचे नहीं। अपने बिस्तर के गद्दे, रजाई वगैरह को भी धूप में डालें ताकि ये परजीवी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।